नमस्कार दोस्तों, मैं सीए मनोज जैन आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे चैनल चले जीएसटी पे। फ्रेंड, 17 जुलाई 2022 को एक नोटिफिकेशन आता है। उस नोटिफिकेशन में अगर आप अपनी रेजिडेंशियल यूनिट को लेट आउट करते हैं तो जीएसटी एप्लीकेबल हो जाता है फ्रॉम 18 जुलाई 2022। इस पूरे वीडियो में हम क्रिटिकल क्वेश्चंस को एनालिसिस करेंगे विथ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने बोला, क्रिटिकल क्वेश्चंस विथ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। तो इस पूरे वीडियो को आप एज ए गाइडेंस पर्पस के लिए यूज़ करना। आप इसको बिल्कुल भी लीगल एडवाइजरी के लिए मत देखना। फ्रेंड्स, चलते हैं वीडियो के ऊपर। 17 जुलाई 2022 तक अगर आप कोई रेजिडेंशियल यूनिट रेजिडेंशियल पर्पस के लिए लेट आउट करते हैं तो आपको कोई भी जीएसटी टैक्स नहीं देना होता। बट 18 जुलाई 2022 से आपको, इस 2017 को आप 2022 पढ़िएगा, आपको अगर आप कोई रेजिडेंशियल यूनिट लेट आउट करते हैं तो कुछ केसेस में आपको जीएसटी एप्लीकेबल हो जाएगा। टेबल के थ्रू वो केसेस हम लोग समझते हैं। सपोज कीजिए, इस रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को आप लेट आउट करते हैं और जो रेसिपियंट है वो उसका यूज़ भी रेजिडेंशियल पर्पस के लिए करता है, इसका यूज़ भी इम्पोर्टेंट हो गया है। फ्रेंड्स, इस केस में अगर ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी और रेसिपियंट दोनों जीएसटी में रजिस्टर नहीं है तो कोई जीएसटी की लायबिलिटी नहीं आएगी। बट अगर रजिस्टर ओनर ऑफ द सप्लायर रजिस्टर है, रेसिपियंट रजिस्टर नहीं है और यूज़ हो रहा है रेजिडेंशियल पर्पस के लिए, तब भी जीएसटी की लायबिलिटी नहीं आएगी। अब अगर ओनर तो रजिस्टर नहीं है बट रेसिपिएंट रजिस्टर है, तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि जो रेसिपिएंट है उसको आरसीएम में टैक्स देना होगा। फ्रेंड्स, अगर दोनों रजिस्टर हैं तब भी रेसिपिएंट को आरसीएम में टैक्स देना होगा, क्योंकि तो प्रॉपर्टी जो यूज़ की जा रही है वो रेजिडेंशियल पर्पस के लिए की जा रही है। अगर यही रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी का जो एंड यूज़ हो रहा है वो कमर्शियल पर्पस के लिए हो रहा है, अब सोलली वो कमर्शियल पर्पस के लिए यूज़ हो रही है, जैसे कि किसी डॉक्टर ने क्लिनिक खोल लिया, रेंट या गोडाउन के लिए उसका यूज़ किया जा रहा है, इस केस में भी अगर ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी और रेसिपिएंट रजिस्टर नहीं है, कोई जीएसटी की लायबिलिटी नहीं आएगी। बट ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी रजिस्टर है बट रेसिपिएंट रजिस्टर नहीं है, सो ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी को फॉरवर्ड चार्जेस पे टैक्स पे करना पड़ेगा। इसी प्रकार से अगर ओनर रजिस्टर नहीं है बट रेसिपिएंट रजिस्टर है, बिकॉज प्रॉपर्टी का नेचर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी होने के कारण जो रेसिपिएंट ऑफ द प्रॉपर्टी है उसको रिवर्स चार्ज में टैक्स पे करना पड़ेगा। अगर दोनों रजिस्टर हैं, तो बिकॉज रेसिपिएंट रजिस्टर है वो प्रॉपर्टी का नेचर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है, तो इस केस में रिवर्स चार्ज पे टैक्स पे करना पड़ेगा। फ्रेंड्स, अगर ये रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी मैं रेजिडेंशियल पर्पस के लिए भी यूज़ कर रहा हूँ और अपने ऑफिस चलाने के लिए भी यूज़ कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल एक चार्टेड अकाउंटेंट है वो रेजिडेंशियल पर्पस के लिए भी यूज़ कर रहा है और अपनी ऑफिस के पर्पस के लिए भी यूज़ कर रहा है, सब जीएसटी का इम्प्लीकेशन क्या होगा? अगर सीए रजिस्टर है जीएसटी के अंदर, तब तो वो रिवर्स चार्ज पर इसका टैक्स पे करेगा। बट अगर सीए रजिस्टर नहीं है और बिकॉज ऑफ प्रॉपर्टी का यूज़ कमर्शियल पर्पस के लिए भी हो रहा है, तो लैंडलॉर्ड को इसके ऊपर फॉरवर्ड चार्जेस पे टैक्स पे करना पड़ेगा। लेकिन इसमें एक कंडीशन है कि लैंडलॉर्ड जीएसटी में रजिस्टर होना चाहिए। फ्रेंड्स, जब मैं सीए हूँ और रजिस्टर हूँ जीएसटी में, तो आरसीएम के टैक्स पे करता हूँ, तो उसका मुझे क्या इनपुट टैक्स बेनिफिट मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। लेकिन जो आपकी आउटवर्ड सप्लाई है वो कितनी बिजनेस पर्पस के लिए, कितनी नॉन बिजनेस पर्पस के लिए, और इस प्रॉपर्टी का कितना यूज़ पर्सनल पर्पस के लिए कर रहे हो, बिजनेस पर्पस के लिए कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंगली आपको आईटीसी का बेनिफिट कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बहुत कॉमन क्वेश्चन है, सपोज मैं एक बैंक में काम कर रहा हूँ या लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा हूँ, जनरली वो लोग क्या करते हैं कि रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी हमको प्रोवाइड करवाते हैं। इसमें दो ट्रांजेक्शन होते हैं, क्योंकि ये प्रॉपर्टी कॉर्पोरेट एंटिटी की नहीं होती है। ये लोग क्या करते हैं, जो लैंडलॉर्ड होते हैं वो कॉर्पोरेट एंटिटी को ये प्रॉपर्टी प्रोवाइड कराते हैं, एग्रीमेंट देते हैं। इस केस में तो क्योंकि कॉर्पोरेट एंटिटी जीएसटी में रजिस्टर है, इसलिए आरसीएम में उनको
लायबिलिटी जीएसटी टैक्स पे करना पड़ेगा, बट एम्प्लॉय जो होते हैं वो जीएसटी में रजिस्टर नहीं होते हैं। इस केस में एम्प्लॉय के ऊपर जीएसटी की कोई लायबिलिटी नहीं आएगी। अगर एम्प्लॉय जीएसटी में रजिस्टर हो तब क्या? अगर हम जीएसटी के इस नोटिफिकेशन को लिटरली देखें तो ऐसा लगता है कि एम्प्लॉय अगर जीएसटी में रजिस्टर्ड है तो उसे भी आरसीएम के अंदर टैक्स का पेमेंट करना पड़ेगा, दो इस पर क्लेरिफिकेशन रिक्वायरमेंट है। फ्रेंड्स, आरसीएम में जब कॉर्पोरेट एंटिटी लैंडलॉर्ड को टैक्स पे करती है तो क्या उसका बेनिफिट मिलेगा? नहीं, क्योंकि ये जो जब कॉर्पोरेट एंटिटी एम्प्लॉय को जो सर्विस जब रेंट प्रोवाइड जब ये प्रॉपर्टी लेट आउट करती है तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगता है, मतलब इस कॉर्पोरेट एंटिटी के आउटवर्ड सप्लाई एग्जम्प्ट हो जाती है। तो अगर आउटवर्ड सप्लाई एग्जम्प्ट हो गई तो इनवर्ड सप्लाई पर मिलने वाला आईटीसी का बेनिफिट नहीं मिलेगा। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंड्स, अगर आप यहाँ तक मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। अगर आप नहीं भी करेंगे तो वीडियो कंटिन्यू रहेगी। फ्रेंड्स, ये क्रिटिकल क्वेश्चन है। सपोज मैं एक कंपनी में काम कर रहा हूँ, इसके साथ साथ ही मैं ई कॉमर्स ऑपरेटर पोर्टल पर अपना एक बिजनेस भी चलाता हूँ छोटा सा। मैंने रेजिडेंशियल पर्पज़ के लिए एक यूनिट परचेज की, मैं उसमें रेजिडेंशियल यूज़ ही कर रहा हूँ, तब भी मुझे क्या जीएसटी लेना होगा? अगर मुझे आरसीएम में जीएसटी पे करना होगा, अगर लिटरली मीनिंग देखें हम लोग का तो उससे तो यही लगता है कि हाँ हमको पे करना है आरसीएम में, और इसका मुझे बेनिफिट भी नहीं मिलेगा क्योंकि मैं ये पर्सनल पर्पस के लिए यूज़ कर रहा हूँ। लेकिन स्टिल अगेन सीबीआईसी को इस पर क्लैरिफिकेशन देना चाहिए। फ्रेंड्स, सपोज कीजिए कि एक लैंडलॉर्ड है वो राजस्थान में अनरजिस्टर्ड है, एक रेसिपिएंट है महाराष्ट्र का, एक बिजनेसमैन है, ये राजस्थान में जाता रहता है, ये महाराष्ट्र में तो रजिस्टर्ड है बट ये राजस्थान में रजिस्टर्ड नहीं है। इसने राजस्थान वाले पर्सन से टाई अप किया कि मुझे राजस्थान में एक फ्लैट चाहिए रेजिडेंशियल पर्पस के लिए, अब मुझे वो दे दीजिए। अब जो महाराष्ट्र का पर्सन है जीएसटी में तो रजिस्टर्ड है बट राजस्थान में रजिस्टर्ड नहीं है, इस केस में क्या? इस केस में मेरे हिसाब से जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा, बिकॉज अगर जीएसटी एप्लीकेबल होगा तो महाराष्ट्र के पर्सन को अननेसेसरी में राजस्थान में भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना होगा, क्योंकि इमूवेबल प्रॉपर्टी पे हमेशा जीएसटी एडजस्टी लगता है। तो यहाँ पर भी अगेन गवर्नमेंट को क्लेरिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है। फ्रेंड्स, बहुत बार होता है कि जैसे पीजी वगैरह होते हैं उसको लेट आउट करने के लिए लैंडलॉर्ड एक कंपनी के साथ में टाई अप कर लेता है, इस केस में भी अगेन दो ट्रांजेक्शन होते हैं। जब वो कंपनी स्टूडेंट के प्रोफेशन को रेजिडेंशियल पर्पस के लिए ये पीजी अवेलेबल करवाती है तो जीएसटी नहीं होगा। इसी प्रकार से जब लैंडलॉर्ड कंपनी के साथ में जो टाई अप करता है उस पर जीएसटी एप्लीकेबल होगा और कंपनी को आरसीएम में टैक्स पे करना होगा। जो इसका इनपुट टैक्स का बेनिफिट है कंपनी को नहीं मिलेगा क्योंकि उसके द्वारा आगे आउटवर्ड सप्लाई एग्जम्प्ट हो जाती है। फ्रेंड्स, बहुत बार होता है कि हमारा एक रेजिडेंशियल फ्लैट होता है हिल स्टेशन पर शिमला हिमाचल, अगर हम वहाँ पर आने वाले टूरिस्ट को वो फ्लैट रेजिडेंशियल पर्पस टेम्परेरी पर्पस के लिए देते हैं तो क्या वो एग्जम्पशन की कैटेगरी में आएगा? नहीं फ्रेंड्स, क्योंकि रेजिडेंशियल का मतलब लॉन्ग टर्म स्टे करना है ना कि टेम्परेरी। फ्रेंड्स, ये मेरा वीडियो था जीएसटी ऑन रेजिडेंशियल यूनिट पे। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।